सो हेलो गाइस। तो गाइस झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का इंतजार की घड़ी ख़त्म हुआ गाइस और यहाँ पे काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग के बताएंगे गाइस कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोटिस में एंड क्या इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है गाइस। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि काउंसलिंग का नोटिस आ गया, मैं आपको कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है गाइस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आप लोग जाना बहुत आवश्यक है, उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से भी, अगर मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जैसे मैं गाइस की काउंसलिंग वही बच्चा कर सकता है गाइस जिसका नंबर पॉजिटिव में आया है गाइस, जिसका मतलब नेगेटिव में नंबर आया है वो नहीं कर सकता है गाइस, जो पॉजिटिव में जिसका नंबर आया है सिर्फ वही बच्चा कर सकता है गाइस। ठीक है, इसमें एक और चीज़ गाइस जो लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है गाइस कि जितना भी अभ्यर्थी है गाइस, जो भी लोग काउंसलिंग करेंगे, वह आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइस क्या बोल रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करें गाइस। सबसे बड़ी चीज़ यही लिखा हुआ है गाइस इसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये नहीं कि मेरा नंबर इतना है, मैं दो को कॉलेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ गाइस। और कॉलेज जो सिलेक्ट करने का प्रोसेस होता है गाइस, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और काउंसलिंग में यही सबसे बड़ा चीज़ होता है गाइस। ठीक है, और कॉलेज सिलेक्ट अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा गाइस, चाहे आपका कितना भी रैंक हो। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से उसमें कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अगर गाइस आप वैसे अगर कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको 100% चांस है कि आपको कितना भी नंबर कम हो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो का जरूर देखिएगा। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट का। ठीक है, तो गाइस जो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेट है गाइस उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें गाइस सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि गाइस यहाँ पे जो काउंसलिंग का जो स्टार्टिंग होगा ना वो 7 तारीख से होगा। ठीक है गाइस, 7 तारीख 9 महीना 2022 से गाइस। ठीक है, यानी कि गाइस वो कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, काउंसलिंग गाइस। तो और गाइस सेकंड क्या चीज़ लिखा हुआ है गाइस कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड च्वाइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, इसका लास्ट डेट कब होने वाला है गाइस? तो लास्ट डेट होगा गाइस 13 तारीख 9 महीना 2022 तक है गाइस। ठीक है, तो गाइस आप लोग 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख या 10 तारीख 11 तारीख तक आप लोग अपना अलॉटमेंट और सॉरी मतलब काउंसलिंग करवा लीजिएगा गाइस। ठीक है, अब गाइस क्या है कि एडिशन इन फील्ड ऑफ चॉइसेस। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है गाइस, जैसे मैं अगर आप 13 तारीख तक काउंसलिंग कर लिए गाइस। ठीक है, अब गाइस आपका जिसमें कुछ उसमें चीज़ें छूट गए गाइस, जैसे मैं आप एक दो कॉलेज का अरेंज करना या फिर कॉलेज का जो अरेंजिंग का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा आप गलती कर दिए हो या फिर और भी कॉलेज जो छूट गया हो जिसको आप अरेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उसके लिए आपको 14 तारीख और 15 तारीख को 2 दिन टाइम दिया हुआ है गाइस, उसमें आप उसको कॉलेज के ऊपर नीचे या फिर और भी कॉलेज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए गाइस। ठीक है, और गाइस डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि अलॉटमेंट लिस्ट जो है गाइस वो आपका 20 तारीख को आपका पब्लिश हो जाएगा गाइस। ठीक है, और यानी कि 21 तारीख से आपका वो चीज़ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक और आगे फी का गाइस, तो OBC के लिए और जनरल के लिए गाइस यहाँ पे 400 रुपये काउंसलिंग फी लगेगा एंड गाइस फीमेल कैंडिडेट के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए गाइस 250 रुपये लगेगा गाइस। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे गाइस, ये चीज़ आपको समझ में आ गया गाइस। लेकिन गाइस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जो डेट है उस डेट को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड गाइस जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सबसे पहले आपको नोटिस किया गाइस, जिसका पॉजिटिव नंबर है वही काउंसलिंग करेगा एंड गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करें गाइज। तो गाइज अच्छा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड गाइज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड गाइज जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है गाइज उसे स्किप नहीं कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा का, क्योंकि काउंसलिंग पे ही आपका कॉलेज आपका डिपेंड करता है गाइज। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।